इस घर में आपको मिलने वाला है लग्जरी एंड कंफर्ट का बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और ये लोकेशन हमारी रहने वाली है बैंग ऑन खरड़ लुधियाना हाईवे पे। इस नवरात्रे, इस फेस्टिवल आप अपने नए घर में अपनी फैमिलीज के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने चला रखा है बम्पर ऑफर, जो कि इस दिवाली दिवाली तक रहने वाला है। तो ये हमारा रहने वाला है 107 गज में। सबसे पहले बात करते हैं हम सोसाइटी की। ये आपकी गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, जहाँ पे आपको 24 आवर सिक्योरिटी सर्विलेंसेज मिल जाती है, पार्क फैसिलिटी है, क्लब हाउस है, 30 फीट वाइड रोड के साथ आज का आपका ये शानदार विला रहने वाला है। ये आपका फ्रंट एलिवेशन आ जाता है, जो बहुत ही प्यारा और गजब का बना रखा है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। और इसके आगे आपकी जितने भी रोड है 30 फीट वाइड रोड रहने वाली है। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मेंटेन करके आपको दे रहे हैं। ये आपका वेस्ट फेसिंग का ये घर रहने वाला है। अभी हमारे पास ईस्ट फेसिंग के घर भी यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो ये हमारा 3 BHK हाउस है 107 स्क्वायर यार्ड में। आइए बढ़ते हैं हम घर की तरफ। ये आ जाता है आपका गेट, जहाँ से आप अपनी गाड़ी जो है इजीली जो है पार्किंग एरिया में प्लेस कर सकते हैं। आपकी सिडान कार बड़े आराम से यहाँ पे पार्क हो सकती है। ऊपर की तरफ को देखिए, आपको सेम एज इट इज़ इसी तरह का वर्क यहाँ प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। डाउन सीलिंग रहने वाली है, लाइट्स रहने वाली है आपके घर के अंदर। और बाहर से आपकी स्टेयर्स रहती है, जो जाती है आपके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। स्टेयर्स के नीचे हमने स्पेस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रखा है, जहाँ पर आप अपना इन्वर्टर रखना चाहें या गैस सिलेंडर रखना चाहें, वो आप इजीली यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। आइए चलते हैं हम सीधा घर के अंदर। एंट्रेंस पे आपको मिल जाता है बहुत ही प्यारा सा वाइड गेट, एक आपका नेट डोर आ जाता है, साथ ही आपको मिल जाता है वुडन का डोर विद डिजिटल लॉक के साथ। और इसी के साथ ही हमने एंटर कर दिया है अपना ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। अगर हम साइज़ की बात करें 10x19 के साइज़ में आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया मिलने वाला है। सोफ़ा देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे 6 सीटर सोफ़ा लगा रखा है। आप इजीली यहाँ पे 7 to 8 सीटर सोफ़ा इजीली प्लेस कर सकते हैं। साथ ही बड़ी सी आ जाती है आपको विंडो। और इसी के साथ जितना भी आप मेरे आजू बाजू में वर्क देख रहे हैं, ये सेम एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। और डाउन सीलिंग विद लाइट्स के साथ आपका ये घर रहने वाला है। और इसके बिल्कुल फ्रंट में आपका आ जाता है डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आप इजीली अपने जो है 4-5 सीटर चेयर विद टेबल आप इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल फ्रंट में मिल जाता है आपको LCD पैनल, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉकरी के लिए भी आपको प्रोविज़न दे रखा है, या आपने बुक शेल्फ बनानी हो वो भी रख सकते हैं, या डेकोरेटिव आइटम आपने रखनी हो वो भी आप रख सकते हैं। इसी के बिल्कुल फ्रंट में आ जाता है आपका किचन पार्ट, जिसका साइज़ रहने वाला है 8x10 का। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस और बहुत ही प्यारा देख सकते हैं। डिसेंट लुक के साथ आपको मिलने वाला है मॉड्यूलर किचन, जिसमें कि आपको मिल जाते हैं कैबिनेट्स। जितने भी आपके कैबिनेट्स रहने वाले हैं सारे ही हाइड्रोलिक रहने वाले हैं। चिमनी के लिए स्पेस आ जाता है आपका, और नीचे आपका बिल्कुल ही आ जाता है हॉब। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको कैबिनेट्स मिलने वाले हैं। और फ्रंट में आपका आ जाता है वेंटिलेशन के लिए विंडो, और साथ ही आपको डिश वॉशिंग एरिया। इसी के साथ हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो ये आपका आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 10x13 के साइज़ में आपका बेडरूम रहने वाला है। फर्नीचर गाइज इसमें अवेलेबल नहीं है, अभी सैम्पल के लिए हमने लगा रखा था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेड लगने के बाद कितना स्पेस रहता है। तो 6x6 का बेड लगता है, तो बोथ साइड आप देख सकते हैं 2.5 फीट का आपको स्पेस रहता है, जहाँ पे आप इजीली साइड टेबल भी प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पे भी 4 फीट का स्पेस रहता है। साथ ही फ्रंट में मिल जाता है आपको LCD पैनल। और इसके बिल्कुल साइड में आपके आ जाते हैं वार्डरोब्स। वार्डरोब्स आपके रहने वाले हैं स्लाइडिंग वार्डरोब्स के साथ। ये देख सकते हैं कैबिनेट्स आपको सारे ही प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं, और साथ ही ड्रेसिंग एरिया के लिए प्रोविज़न है। बेड की बैक की बात करें तो वॉलपेपर से हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हाइलाइटेड कर रखा है। और इसी बेडरूम के साथ आपको मिल जाता है अटैच वॉशरूम, जिसमें आपको फुल हाइट तक टाइल का वर्क मिल रहा है। और जितनी भी हम यहाँ पे सैनिटरी की बात करें, जैगुआर ब्रांड की सैनिटरी आपकी रहने वाली है। और ये आ जाता है आपका वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया आपका रहने वाला है 6x6 के आसपास।
और चार चार फीट तक हमने यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइल्स लगवा के दे रहे हैं। ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। इसी के साथ ही हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। और मास्टर बेडरूम की बात करें तो इसका साइज रहने वाला है 10x15 का, क्योंकि आपके 2 फीट में यहाँ पे आ जाते हैं वॉल माउंटेड वार्डरोब्स स्लाइडिंग डोर्स के साथ। और बेड लगने के बाद काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है मूव होने के लिए। इसी के बिल्कुल फ्रंट में आपको मिल जाता है LCD पैनल। डाउन सीलिंग सेम एज इट इज़ आपको करवा के दे रहे हैं। और वेंटिलेशन की बात करें गाइस, कॉर्नर घर आपका कॉर्नर घर ये है, तो वेंटिलेशन की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। इसी के साथ ये आ जाता है आपका वॉशरूम। वॉशरूम में देख सकते हैं प्रॉपर फुल हाइट तक आपको टाइल का वर्क यहाँ करवा के दे रहे हैं। बाथ फिटिंग आपकी सेम एज इट इज़ रहने वाली है। इसी के साथ ही जो बाहर से आपकी स्टेयर्स रहती है फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, वहाँ पे हमने आपको किचन, बेडरूम और अटैच वॉशरूम प्रोवाइड करवा के दे रहे हैं। इस घर का जो मैप पास है वो आपका 2.5 स्टोरी तक आप लीगली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। और इस घर का प्राइस आपका रहने वाला है 75,90,000 विद लैंड आपका ये घर रहने वाला है, और लोन की फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस घर की लोकेशन चेक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।